बंदा चरण सरोज जिन यह बीज कनिरमयो परख दिखाए व खोज ते गुरु सम दूजा नहीं निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश अस्थिर पद पर खायो सब जाल महा दुखित जीव जानी के दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुना एक अनेक को धोख पर खायो निज परखते अशरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तव पारखते कृपा निधि बंदा संत समाज जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि हाँ सेवक या ज्ञान मो पर दया दृष्टि निहारिये बाल जान कृपाल मो को सुरत से नहीं टारिये हवनि पट बुद्धि मलिन जगत अधीन मैं ताते भयो जो हो यतव पदलीन सो यह विपिन मन काहे न रहो यह जगत जाल कराल मोह विशाल मोहिया छो लगो यह कनक का मन नाल देखी बैराग सब चित से भगो नहीं काम है धन धाम सब बेकाम सपना सो दिखे पर चित छाड़त नाही आशा कह भय बहु पढ़ लिखे अब करत दास पुकार बारम बार गुरु सुन लीजिए सकल राग छुड़ाय दृढ़ वैराग्य मो को दीजिए तब नाम पतित उदार मो तिन पार कोई दीन है अब बन्यु है युग आय तुम आधार ताते किन है बाने की लाज तुम्हार परख बिहार सुख साहिब गनी मैं पतित हाँ लाचार दास तुम्हार गुरु साहिब गनी अब दास पूरन कीन बिनती सुनहुँ दीन उदारनम मैं परे हूँ जग जंजाल माही मोहि साहिब तारनम सुख साहिब सुख रूप सुख धन दुसह दुख निवारनम परख के प्रकाश करता दीन जीवन तारनम यह ब्रह्म जग को शोक सकलो धोख भरम बिडारनम महामोह कराल नाशक सकल भव भयहारनम यह वेद शास्त्र पुराण एक अनेक जाल ही खंडनम झाई संधि अरुकाल भासिक दया धीरज मंडनम एक जीव को अनुमान सब तो फान जगता में फंसो
सोई गास फास छुड़ाय निज पद पाय पारख दृढ़ दसो नहीं कल्पनाय अनुमान सो परमान अब सो कही सके परतेक्ष पारख छोड़ के यह वेद नाहक मरि बके सोई हो हुआ पकृपाल तब सब जाल जीवन छूटी है निज दास हो यहुलास तब ही भास सकलो टूटी है मैं चरण सेवक दीन तुम परवीन दाया कीन हो मैं ही न छीन मलीन प्रभु जी बाह गही के लीन हो बाह गही की लाज पूरन शरण तुमको आज है नहीं और से कछु काज गुरु पद सकल सुख को साज है नहीं और से कछु काज गुरु पद सकल सुख को साज है अजर अखंड रूपी परमा प्रकाश देखो सूर्य से उजासिले अति ही सुहायु है ब्रह्म जगत भर्म मेटि जाय संधि काल नासी संश सब चूर कर धूर से उड़ायु है वेद हूँ प्रमाणी आर वाणी न के मत जेते और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायु है सर्व हूँ को जाने सो तो सर्व हूँ सुन्यारो रहे सर्व हूँ को जाने सो तो सर्व हूँ सुन्यारो रहे सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार युग अनंत जो पचि मर बिन गुरु नहीं निस्तार बंदनिय गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संसय हरना संत रूप प्रभु तोर बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम अशरण शरण बंदा चरना सब विधि मंगल धाम बंदा सन मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ बचन उचारा बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय साहेब बंदगी साहेब। आज का यह कार्यक्रम गुरुवाणी संध्या पाठ के कुछ भाग से प्रारंभ किया गया और अब आप सबके बीच भजन के माध्यम से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है फिर संतों के विचारों से हम सबको लाभ मिलेगा। नमो नमो गुरुदेव जू नमो कबीर कृपाल नमो नमो गुरुदेव जू नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भय छार जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय आखिन सूझे बावरा घर जर घूर बुताय घर जर घूर बुताय। विश्व बंदनी युग दृष्टा महामानव बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहेब गद्दी असीन विराजमान पूज्यवर सदगुरु देव जी हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे संत श्री गुरुजतन साहेब जी मुद मंगलमय संत समाज श्रद्धालु भक्त सज्जन माता एवं देवियों
तथा इस वसुंधरा के खिले हुए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आप और हम सब ज्ञान गंगा में निमज्जन करने के लिए पधारे हुए हैं और इस ज्ञान गंगा में ही निमज्जन करके ये हमारा मन का मैल धुल सकता है। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब की एक रचना भजन के माध्यम से मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मोर हीरा हेराई गयो कचरे में, मोर हीरा हेराई गयो कचरे में, मोर हीरा हेराय गयो कचरे में, हो मोर हीरा हेराय गयो कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, कोई कहे पानी पत्थरे में हो, कोई कहे पानी पत्थरे में, मोर हीरा हेराय गयो कचरे में, मोर हीरा हेराय गयो कचरे में। सुर नर मुनि जति पीर औलिया, सुर नर मुनि जति पीर औलिया, उलझ गए सब नखरे में हो, उलझ गए सब नखरे में, मोर हीरा हेराय गयो कचरे में, मोर हीरा हेराय गयो कचरे में। दास कबीर उस हीरे को पायो, दास कबीर उस हीरे को पायो, बांध लिए ही अक्षरे माँ, बांध लियो ही अक्षरे माँ, मोर हीरा हेराय गयो कचरे माँ, मोर हीरा हेराय गयो कचरे माँ, मोर हीरा हेराय गयो कचरे माँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब का हीरा, सदगुरु कबीर साहेब का राम, सदगुरु कबीर साहेब का भगवान, सदगुरु कबीर साहेब का परमात्मा एक अलग है, वो अलग कहीं बाहर खोजने के लिए नहीं है। इसलिए इस भजन में सदगुरु कबीर साहेब हम लोग जहाँ जहाँ भटकते हैं बहुत अच्छे ढंग से भजन के माध्यम से बताए हैं कि कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, उस हीरा को उस परमात्मा को उस भगवान को खोजने के लिए हमारे हिंदू भाई पूरब के तरफ जाते हैं, क्योंकि पूरब के तरफ जगन्नाथ प्रसिद्ध है हमारे भारत में। हिंदू भाई पूरब के तरफ दौड़े जा रहे हैं और मुसलमान भाई पश्चिम के तरफ, मक्का मदीना अरब पश्चिम की तरफ है। तो अल्लाह अकबर को अपना परमात्मा मान करके, खुदा गार्ड मान करके मुस्लिम भाई पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे और कोई कहे पानी पत्थरा में। और कितने ऐसे पंडित है, आचार्य है, गुरुवा लोग हैं, उस भगवान को कहाँ बताते हैं, पानी पत्थरा में। पानी पत्थरा मतलब मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, क्योंकि भगवान वहीं मिलेगा। अब आज आदमी इतने श्रद्धालु हो गए हैं कि मंदिर में मस्जिद में जा करके उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अपना दुख को सुनाना चाहते हैं, परंतु मंदिर के भगवान मस्जिद के भगवान हमारे दुख को कुछ सुनने वाला नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। और हमारे दुख को क्या किसी के दुख को नहीं सुनते हैं, क्योंकि सुनने के उसके पास शक्ति नहीं है, चेतना शक्ति नहीं है। बनाने वाले कलाकार ने तो हनुमान के रूप दे दिया, भगवान विष्णु के रूप दे दिया, शिव जी पार्वती के रूप दे दिया, परंतु उसमें दुनिया को दिखाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु उसमें प्राण आता नहीं है। अगर प्राण आ जाते उस भगवान के अंदर में तो भोजन भी करते, पानी भी पीते और कुछ बोलते। जो श्रद्धालु उसके शरण में जाते हैं उसको कम से कम इतना कुशल मंगल पूछते
कि भाई साहब आपके तबीयत पानी ठीक है कि नहीं है। कितने माताएं जाते हैं बड़ी श्रद्धा से, तो उनको भी पूछते कि माता जी आपके कितने बहु बेटे हैं और बहु बेटे सुख से रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इतना जरूर समाचार पूछते। परंतु भगवान में पूछने की क्षमता नहीं है। फिर भी आज आदमी वहीं जा करके और अपना कल्याण मानता है, भगवान को चाहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि जति पीर औलिया, और सब ही उलझ गए नखरे में। अपने अपने ढंग से सब नखरा करते हैं, सुर नर मुनि, कोई पानी में, कोई पेड़ में, कोई पहाड़ में, कोई ईंट में, कोई पत्थर में, उस भगवान को खोजना चाहते हैं। परंतु जो भगवान हर प्राणी के घट में विराजमान है, उस भगवान को वो जानते नहीं हैं। और कोई संत गुरुजन कृपा करके बता भी दे तो आदमी विश्वास नहीं करता है। आज आदमी के अंदर में अपने ऊपर विश्वास नहीं है, पेड़ पर पत्थर पर विश्वास है लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए आज आदमी अपने आत्म तत्व से कोसों दूर है। सदगुरु कबीर साहब का तो प्रसिद्ध भजन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हर प्राणी के घट में वो परमात्मा भगवान खुदा गाड विराजमान है, परंतु हम लोगों के अंदर में अपने आप पर विश्वास नहीं है। हमारे संत गुरुजन इसी बात को बतलाते हैं कि आदमी जब तक सत्संग नहीं करेगा, विवेकी पारखी संतों के सानिध्य में नहीं जाएगा और समर्पित भाव से भजन भक्ति नहीं करेगा तो नहीं प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि आज के आदमी बहुत ज़्यादा शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बुद्धि दो भाग में बट गई है, एक तो श्रद्धावादी विश्वासवादी और दूसरा विवेकवादी। जो आदमी की बुद्धि श्रद्धावादी है तो उन्होंने अपने मन में कोई मूर्ति के लिए भगवान के लिए श्रद्धा रख लेते हैं, विवेक नहीं करते हैं। वैसे ऐसे आज के पंडित आचार्य हैं जो विश्वास रखो श्रद्धा रखो तो ये मूर्ति, ये भगवान ठाकुर जी के या शिव जी के या आपके सारे मनोकामना को पूरा कर देंगे, ऐसे पाठ पढ़ा लेते हैं। वही श्रद्धा और विश्वास में पढ़ करके आदमी बहुत दूर अपने आप से कोसों दूर हो जाते हैं। और दूसरी बुद्धि है विवेकवती बुद्धि, जो विवेक विचार करते हैं वो कुछ संत महापुरुष के बातों पर भी विवेक करते हैं कि बात कहाँ तक सत्य है। वेद के लिखी हुई बातों पर भी वे विवेक करता है, वेद में लिख देने से बात सही नहीं होती है। इसलिए जो जिसके अंदर में विवेकवती बुद्धि है वो अपने आप को विवेक करके विचार करके अपने मान्य ग्रंथ को पढ़ता है और अपने मान्य गणमान्य महापुरुषों के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी एक उदाहरण दिया करते हैं। एक गांव में रामलीला हो रही थी, रामलीला हो रही थी, वह गांव बहुत बड़ा गाँव था और रामलीला 7 दिन का उसमें होना था, आयोजन था 7 दिन के लिए, 5 दिन हो चुका था। 6ठा दिन में जो हनुमान के पाठ करने वाला व्यक्ति है वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, बहुत प्रचार हो गया था, हजारों की भीड़ होती थी, आसपास के गांव के लोग आते थे। मैनेजर साहब को सोचना पड़ गया कि आज मेन पार्टनर है हनुमान जी का, क्योंकि लंका में हनुमान जी को जाना है सीता के पता लगाने के लिए और हनुमान जी बीमार है तो कैसे होगा, बड़ी तौहनी हो जाएगी। इसलिए सुबह से ही वो डॉक्टर बुलाए, उस व्यक्ति के इलाज करवाए, परंतु वो फिर भी पाठ करने के काबिल ना रह गए क्योंकि टाइफाइड हो गया था उसको। तो 4 बजे वो मैनेजर साहब गली के तरफ बाजार चौक के तरफ घूमने टहलने के लिए जाते हैं कि शायद कोई हनुमान के पाठ करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो आज मेरा काम बन जाएगा, ऐसे करके। तो गया तो देखा कि एक मोटा ताज़ा आदमी था, वो जलेबी छान रहा था। और जलेबी छान रहा तो मैनेजर साहब ने विचार किया, अगर ये आदमी हनुमान का पाठ कर देगा तो आज का मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हजारों की भीड़ होगी, अगर पाठ में गड़बड़ हो जाए, मेरे आज के खेल नाटक लीला गड़बड़ा जाएगा तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। और जा करके जो हलवाई साहब जहाँ जलेबी छान रहा था वहीं किनारे में कुर्सी में बैठ गया और बैठ करके कहने लगे कि भाई साहब आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं। तो हलवाई ने कहा कि बाबूजी मैं तो दिन भर भट्टी के आग के सामने बैठा हूँ, फिर भी मुझको 250-250 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है, 250 रुपये से ज़्यादा दिन भर में नहीं मिलता है। तो मैनेजर साहब कहने लगा कि भैया भाई साहब मैं तुमको 2500 रुपये दूंगा, केवल 2 घंटा आप मेरा काम कर दीजिए। हलवाई ने कहा बाबूजी क्या काम है बताइए।
उन्होंने कहा मेरा जो आज का खेल में हनुमान का पार्टनर है वो बीमार पड़ गया है, आप हनुमान के पाठ कर दीजिए तो मैं तुमको 2500 रुपये दूंगा। तो हलवाई कहने लगा कि बाबूजी मैं तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और इतने बड़े मंच में जाना बोलना मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा लगता है। तो मैनेजर साहब ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं बोलने की बात नहीं, बस दो शब्द दो बात बोलना है। पहली बात ये है कि जब आप मंच में घूमते रहेंगे गदा लेकर के पुंछ बना करके और जब पर्दा खुलेगा ना तो पर्दा के अंदर रावण का दरबार लगा रहेगा। जब रावण दहाड़ते हुए बोलेगा अरे तुम कौन हो, तो तुम भी दहाड़ते हुए बोल देना मैं हनुमान जी हूँ। और दूसरा प्रश्न करेगा कि तुम क्या काम करते हो, तो तुम भी ललकारते हुए बोलना मैं माँ सीता के खोज करता हूँ, सीता के पता लगा रहा हूँ, बस इतना ही बात बोलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना दो शब्द तो मैं बोल ही सकूंगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए हमारे बीच गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय। तो मैं कह रहा था वो हनुमान जी के लायक जो हलवाई मिला था उनको मैनेजर साहब कहने लगे कि आप दो ही बात बोल देना। तो हलवाई ने कहा इतना बात तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। तो मैनेजर साहब बहुत खुश हो गया और कहने लगे कि भाई साहब आप 7 बजे हमारे मेकअप रूम में पहुँच जाइए, आपको हम मेकअप में हनुमान बना देंगे और गदा पकड़ा देंगे, पुंछ बना देंगे और हमारा ठीक खेल 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। वो व्यक्ति हलवाई पहुँच ही गया और उसको बढ़िया मेकअप बना दिया हनुमान जी का, और जब मंच में निकला तो सचमुच हनुमान जैसा उसका रूप, क्योंकि मोटा ताज़ा तो थे ही, लोग देखने लगे कि कितना बढ़िया हनुमान जैसा साक्षात हनुमान आ गया है। सब लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता है कि सचमुच ये हनुमान जी सीता का पता लगा लेगा और लंका में आग ही लगा देगा, छोड़ेगा नहीं। सबके मन में प्रसन्नता है। जब वो गदा लेकर के मंच में घूमा, देखा कि हजारों की भीड़, इतनी भीड़ में तो कभी खड़े देखे भी नहीं थे, पसीना पसीना हो जाता है। और पसीना पसीना होने के बाद पर्दा खुल गया, रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण दहाड़ते हुए बोला कि अरे तुम कौन हो। तो आदमी को देख करके वह हनुमान जी का तो हौस ही गायब हो गया था, एकदम कांपते हुए कहा कि मैं हलवाई हूँ। कहना था उसको हनुमान, परंतु कहने लगा मैं हलवाई हूँ। रावण ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम क्या करते हो, तो कांपते हुए वह हनुमान कहने लगा मैं जलेबी छानता हूँ। मैनेजर साहब ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, जिसी बात को मैं डर रहा था वही समस्या सामने आ जाती है। तो इतने में अब क्या हो गया, अब जैसे तैसे वो खेल तो हो गया जब पूरा करके, और वो हनुमान जी अंदर गया और जा करके बहुत पसीना हो गया था। उन्होंने कहा भैया पीने के लिए कोई पानी वानी चाय की व्यवस्था है, तो मैनेजर ने कहा तुमको तो चाय तो चाय, पानी देना भी मुश्किल है, पानी भी नहीं मिलेगा, इतना आज हमारे तुम बदनामी करवा दिए। बहुत लाचार हो गया वह आदमी, क्या करे। तो बंधुओं इसी तरह से हम लोगों के भी हाल है। हम लोग भगवान के कारण पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। ये संसार एक रंगमंच है और हम लोग यहाँ सब पाठ करने के लिए आए हैं, कोई सास के पाठ, कोई ससुर के पाठ, कोई बेटा के पाठ, कोई बाप के पाठ, कोई गुरु के पाठ, कोई शिष्य के पाठ, कोई भाई के पाठ, कोई बहन के पाठ, ऐसे सब हम पार्टनर हैं। परंतु जो पाठ अपने अपने पाठ को अच्छा करता है उसका नाम चलता है, उसको इनाम मिलता है। और जो हनुमान के जैसे भूल गया, कांप गया संसार में, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, वही आदमी और दुनिया में बदनाम के यश के अबजस के भागी होते हैं। वही आदमी और संसार से बदनाम होकर के विदा लेते हैं, संसार में
अच्छा काम नहीं कर पाता है, इसलिए सत्संग की महति आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने भजन में कहा है, मोर हीरा हेराए गए कचरा में, कचरा क्या है एक कुसंग में, खानी जाल बानी जाल में पड़ के अपने शुद्ध आत्मा परमात्मा के रूप में है, विराजमान है, उसको नहीं जानने के कारण आज आदमी बहुत भटक जाता है। और इसका भेद कौन कौन बताते हैं, हमारे संत गुरु बताते हैं, परंतु आज के आदमी सत्संग में आना नहीं चाहता है। आज के आदमी के पास सबके लिए समय है, खाने के लिए, कमाने के लिए, धंधा पाने के लिए, और शादी विवाह के लिए, मकान दुकान चलाने के लिए, केवल सत्संग के लिए नो टाइम कहते हैं, सत्संग के लिए नो टाइम कहते हैं। तो सत्संग में नहीं आएगा तो बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, और बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी तो हम जिस कारण जिसलिए संसार में हमारा आना हुआ है वह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के भजन के माध्यम से मैंने कुछ देर निवेदन किया, और हमारे भी हमारे संत गुरुजन विराजमान हैं।